when you do something again and again repeatedly over many years it becomes a habit right? and as a student in last 20 25 years there are certain behaviors which have become your habits for example in the months of may june you have a habit not to work hard right you have a habit टू रिलैक्स वेकेशन है समर वेकेशन तो एक आदत बन गई है उसमें रिलैक्स करने की यू हैव जस्ट केम फ्रॉम कॉलेज मैनी ऑफ यू अभी एग्जाम यू हैव गिवन थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहा होगा इन द एंड नाउ नेक्स्ट इन योर माइंड की भाई अभी एक महीना बुक का पढ़ाई का नाम भी मत लेना अभी तो मैं चिल मारूंगा है ना अभी तो मैं रिलैक्स करूंगा उसके बाद देखते हैं क्या करना है करेक्ट इवन ऑफ यू हैव एक्चुअली मेड देयर माइंड फॉर गेट Same is true for them as well. Let us talk about this behavior and how to use this behavior, how to use these months of May and June for your benefit. Hello, everyone, welcome to Exergic. For those of you who are listening to me, watching me for the first time, my name is Chandresh Kumar Mahajan. I am the founder and chief educator at Exergic, which is India's most trusted institute for online gate preparation. I have got an All India Rank 37 in gate mechanical and I worked with Indian Oil for about one year and then I resigned six years back. I started Exergic in 2016. So, almost six plus years I have spent building Exergic. To know more about Exergic, obviously you can visit the website, you can download our app, our Android app.

there is no one who does not prepare in last four months even those who just started preparation at that time yes there are some aspirants who started that late even they prepare in the months in, in the last four months before gate do you think that decides the rank do you think that the differentiator is going to be those four months before gate or these months what do you think

So, Chiti, the ant, used to work hard throughout टू वर्क हार्ड थ्रू आउट यू नो द गुड the एज वेल टू weather's. द फूड फॉर हार्श you ऑन know, the हैंड यू नो do दैट और उसका फायदा चीटी को उन मौसमों में उन सीजन में मिलता है जब वेदर की कंडीशन हार्श होती हैं. अपने आप को वही चीटी समझिए आप अभी आपका चल रहा है मजे का टाइम राइट right? अभी आप उतना सिंसियर नहीं है मैनी ऑफ यू थिंक कि अभी तो बहुत टाइम है गेट में गेट 2023 में बट पॉइंट यही है कि इस वक्त जो प्रिपेयर कर रहा है जो सिंसियर है जो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है उसको इसका फायदा उन मंथ्स में मिलेगा फॉर श्योर sure और गेट के रिजल्ट में तो हंड्रेड मिलेगा दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रियलाइज एंड इसीलिए पॉइंट नंबर वन दैट आई वॉन्ट टू शेयर रिगार्डिंग दिस इज टू प्लान अहेड एंड प्लान अकॉर्डिंगली अभी से आप प्लान करके चलिए कि जो समर टाइम है अभी जो वेकेशन होंगे काफी आप में से काफी लोगों के उन उन मंथ्स को स्पेशली अब जून का मंथ जो आगे हमारे ऑलमोस्ट ओवर जून का मंथ जो है उसको कैसे यूटिलाइज करना है या पहले से ही प्लान इट अकॉर्डिंगली देर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन मंथ इफ यू ऑलरेडी शेड्यूल इफ ऑलरेडी मेड अ प्लान इन मंथ्स में यू कैन स्टडी मोर इफ आई टॉक अबाउटिकिव स्मार्ट स्टडी शेड्यूल वॉट डे ऑलरेडी गिवन है नॉट ओनली क्वेश्चन बट नॉट ओनलीस बट ऑल्सो कितने क्वेश्चन कहा दो दिन के बराबर कवर कीजिए इन दंथ मे एंड एंड जून बिकॉज यू है प्लान करिए अकॉर्डिंगली a good planning will save you precious time after vacations or some uh, months before gate the second way in which you can utilize this time is to find out your weaknesses your shortcomings especially for those who have completed the syllabus maybe they are the repeater they have completed the syllabus in third year and now maybe in final year they are again repeating improving their rank ट आर योर वीकनेसेस आप उन वीकनेसेस पे फोकस कर सकते हो दिस टाइम एम्पल टाइम इसमें आप यू कैन डाइव डीपर इन टू दो यू आर वीक एंड यू कैन मेक दैन योर स्ट्रेंथ क्योंकि इतना टाइम ये प्रीशियस टाइम आपको गेट से थ्री मंथस पहले नहीं मिलेगा अभी आपके पास वो टाइम है अब आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो और जब निकल जाएगा देन यू विल रिग्रेट कि आप तो वापस आएगा नहीं वो टाइम इस so, टाइम पे आप अपने शॉर्टकमिंग्स को अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो इफ यू प्लान योर मंथ योर वीक योर डे अकॉर्डिंगली यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डाइव डीपर इन टू सच टॉपिक्स जहां पर आपको और कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ की जरूरत है द थर्ड पॉइंट आई एम शेयरिंग हेयर इज एक्चुअली अ टिप एक टिप मैं दे रहा हूं आपको विच कैन हेल्प यू यूज योर वेकेशन वेल एंड विल कीप यू इन द राइट डायरेक्शन और वो वही टिप है जो मैं आपको इससे पहले से देता आ रहा हूं स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन आप क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कीजिए अभी जस्ट एक टेस्ट दीजिए ऑफ यू आर फियरिंग अवे फ्रॉम टेस्ट एंड दे आर प्लानिंग चलो जुलाई से अगस्त से सेप्टेंबर से देंगे डोंट प्लान मच फॉर द अपकमिंग टाइम जस्ट वन टेस्ट पर वीक बस दैट विल कीप यू ऑन योर टोज वो आपको अलर्ट रखेगा यू विल बी ऑलवेज नोइंग स्टिल स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट फुल मार्क्स तो आएंगे टाइम तो है मे से जून जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ढंग से प्रिपेयर नहीं करते हैं दे विल स्टे ऑन टोज देर्ट क्योंकि टेस्ट देने से

माई डेज माई वीक माई मंथ जुडिशियली अच्छे से उनका यूज करना है मे और जून के मंथ का एंड द्वारा वेरी केयरफुल अबाउट और वो ये है दैट ऑब्वियसली अभी जैसा वी डिस्कस्ड यू हैव यू थिंक यू हैव लॉट ऑफ टाइम एंड यू डोंट स्पीड अप द प्रोसेस आप आराम आराम से सब काम कर रहे हो भले ही वो प्रिपेरेशन हो And especially if some of you will be diving deeper into certain subjects in these summer vacations, please ensure timeline cross matkarna. You have to allot a timeline to what you are doing and by what day you have to finish it. Ultimately, it's a competition, it's a competitive exam. Anywhere, if you are wasting time, if you are spending time more than enough, you are getting behind. क्योंकि टाइम लिमिटेड है उस टाइम में नॉट ओनली यू हैव टू कवर दिस सिलेबस बट आल्सो यू हैव टू बी न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड रियलाइज कंप्लीटिंग कवरिंग दि सिलेबस अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज ओनली फिफ्टी परसेंट ऑफ द वर्क एवरी वन डज दैट कौन सिलेबस इनकम्प्लीट करके जा रहा है एवरी वन कवर्स ऑलमोस्ट फुल सिलेबस एवरी वन इज एबल टू अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट द रैंक क्योंकि रेस्ट 50% परसेंट है वो है आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स आप न्यूमेरिकल्स कितने अच्छे से एक्यूरेसी से कॉन्फिडेंस से सॉल्व करते हो डू यू नो हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स और ये सारी चीजें आपको डेवलप करने में टाइम लगेगा तो अगर आपने इन चीजों को इग्नोर किया अभी और आप सोच रहे हो दैट आई विल ओनली डाइव डीपर इनटू द मैं सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़ के समझ लूंगा फिर तो सब सॉल्व कर लूंगा तो अभी आप अपनी अलग ही दुनिया में जी रहे हो रियलिटी से दूर जो नहीं होता है इसीलिए आपको इंश्योर करना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं जो भी टारगेट दे रहे हैं खुद को उसकी एक डेडलाइन आप पुट करें एंड यू एंश्योर दैट यू मीट दैट डेडलाइन बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ अम्पिटेटिव एग्जाम और जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स जितने भी चाहे आप रिपीटर हैं चाहे आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं चाहे आप किसी और इंस्टीट्यूट से यू यू हैव एनरोल्ड बट इफ वांट टू फोकस ऑन योर न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स अगर आपको वो स्किल्स डेवलप करने हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन समझना है कैसे डिसाइड करना है कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को विच अप्रोच शुड आई टेक हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स ऑल दिस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट

ंग टू टेक योर न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स गेम बहुत इंपॉर्टेंट है गेट में जैसा मैंने जस्ट आपसे डिस्कस किया कि वाइल स्पेंडिंग टाइम इन समर वेकेशन पुट अ डेड लाइन पुट अ टाइम लाइन इतने तक इसको मुझे करना है ऐसा नहीं है समर वेकेशन है तो आप टाइम लाइन भूल जाए क्योंकि इन दी एंड इफ यू आर वेस्टिंग टाइम आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएंगे थ्योरी में ही फंसे रहेंगे कॉन्सेप्ट में फंसे रहेंगे उसके एप्लीकेशन को आप समझ ही नहीं पाएंगे

उसमें से इवन इफ यू आर गिविंग कंसिस्टेंटली सिक्स सेवन एट आवर्स एवरी डे इट्स एनफ ओनली वन फोर्थ ऑफ अ डे रेस्ट ऑफ द टाइम यू हैव है सोए आप उसमें दोस्तों से बात करें जो भी और कॉलेज रिलेटेड और जो भी काम है आप वो करें बट इंश्योर कि आप कंसिस्टेंट रहें थ्रू आउट अपने एफर्ट्स में और बैलेंस करें अपनी प्रिपरेशन को बाकी चीजों के साथ भी क्योंकि जब यू विल गो टू कॉलेज योर कॉलेजेस विल रिज्यूम दम, कोई मतलब नहीं हैचानक से जुलाई विल ऑल्सो गेट वेस्टेड बिकॉज इनर्शिया रहेगाबिट नहीं बनी हुई होगी तो यू विल एंड अपलमोस्ट दिस सेशन मे गया जून विल बी वेस्टेड जुलाई विल बी वेस्टेड कितना ही टाइम बचेगा उसके बाद सिलेबस कवर करने और कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करने के लिए तो डोंट टेक इट लाइटली द टाइम हैज कम कि आप सीरियसली लें अपने लाइफ को अपनी प्रिपरेशन को और बिना टाइम वेस्ट किए एक सही प्लान बना के उस प्लान को फॉलो करना शुरू कर दें जो एक्सर्जी के स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी प्लान गिवन है मेक श्योर sure उस डेडलाइन को जो डेली के लिए ऑलरेडी अलॉटेड है उसको वो फिनिश करें रादर इन मंथ्स में आने वाले दो मंथ्स में जितना अलॉटेड है दिन के लिए कोशिश करें उससे भी ज्यादा कवर कर लें आई विश यू ऑल द बेस्ट